पालमपुर में क्या बात हुई आपकी? कंडीशन कुछ उस लोगों ने अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया ना, वो लोग स्टूडेंट है ना, तो लोगों ने थोड़ा सा क्लीन करके और उसका साफ सफाई करके इधर भेज दिया। सड़ गई है क्या सर? ये तो डेड है सारा। खैर अंदर लेके चलते हैं, अच्छे से डायग्नोसिस कर लेते हैं। आप इसको यहाँ छोड़ देना है ना, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का ना। कुत्ता नहीं काट लिया था इसको, ये भी हम लोग को डोनेशन भी मिला था ना, वो हम लोग गार्डन भी छोड़ के रखा था। तो उसके बाद हमने पालमपुर हॉस्पिटल लेके उसका ऑपरेशन करके फिर से ले गया था ना, वो लोगों ने बोला ऑपरेशन किस बात का हुआ? उसको काटा था ना पूरा, काट लोगों ने बोला दिन में दो बार इसका क्लीन करना है, तो हम लोग सुबह और शाम को रोज करते थे। अब हम लोग के एक्सपीरियंस वाला नहीं है तो इसका कंडीशन बिगड़ने लगा। ये इंजेक्शन पूरी हुई है 25, 28 और 1 तारीख को। हाँ जी, रेबीज वाला ना, ये हुआ है पूरा? पूरा हुआ है। पहले तो ये मास भी नहीं था अंदर का, तो बाद में हम लोगों ने क्लीन करके करके ऐसा थोड़ा इतना अच्छा हुआ ना, तो बाद में इधर का कंडीशन तो थोड़ा अच्छा हो रहा था, फिर नीचे से वो सड़ गया था ना इसका, ये वाला हिस्सा लगभग इतना, इसके नीचे का पूरा सेंस नहीं है इसमें ना, और ये वाली लेग काटनी ही पड़ेगी। ड्रेसिंग तो है इसकी ना, काफ़ी समय तक करनी पड़ेगी, और ये लेग देखो जैसे यहाँ से खींच रहा ना, ये लेग प्रॉपरली ओपन नहीं हो रही क्योंकि यहाँ से गलत जुड़ गया है। तो ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलेगा ना, क्योंकि पहले तो हमें सूचरिंग जो होगी एम्पूटेशन के बाद, उसके लिए स्किन आने का भी वेट करना पड़ेगा, तो इसकी तो लंबी ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा तो स्ट्रेस रहेगा ही, लेकिन हाँ यहाँ रहना बेहतर है क्योंकि डायरेक्ट डॉक्टर यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तो उसको अक्षत कैनल में ही रख देना ना। दिखा ला मेरी, बहुत ही पास का केस है और बहुत ही सीवियर केस है। तो मेरे घर के पास है, 6-7 पपी से घूम रहे थे काफ़ी दिनों से, तो एक्चुअली पहले देखा नहीं था, मेरे कल ही ध्यान गया तो मैंने देखा इसके सर के ऊपर काफ़ी बड़ा निशान पड़ा हुआ था। चोट लग जाती है, कई बार स्क्रैच कर देते हैं, ये मैगट वुंड अपने आप बढ़ता चला जाता है। अगर ब्रेन तक अगर पहुँच चुका होता तो ये अभी तक इतना एक्टिव नहीं होता। 1 kg 550 g कंडीशन हेल्थ वाइज तो ठीक है, पर जख्म ताज़ा नहीं है। छोटे मैगट्स होते हैं मतलब कि वो रिसेंटली पड़े होते हैं, जितना सा साइज बड़ा होता है मैगट्स का उतना ड्यूरेशन उसका लंबा होता जाता था। आज इसके मैगट्स निकाले नहीं क्योंकि इसके लिए मैगट्स अंदर तक घुसे हुए ना, अब निकालने की जब कोशिश कर रहे थे तो इसको पेन ज़्यादा हो रही थी। अब ड्रेसिंग के साथ साथ जब ये मैगट्स पस बन जाएंगे ना तो बहुत ईजिली अपने आप ही निकलेंगे खुद ही। एक से दिख रहा है अभी इसको, दूसरी आँख में है काफ़ी, क्योंकि दूसरी आँख के जस्ट ऊपर ही मैगट्स है। ये भी हो सकता है कि मैगट्स ने आप खा ली हो। भारती जो राह को अडॉप्ट करने वाली है वो अभी उसको लेने आई है। हेलो, इसका नाम राह है वैसे, लेकिन आप इसको अपना नाम पता नहीं है। एनिमल्स के साथ रही है तो पहले भी और किटन्स थी मेरे पास, तो ये बिल्कुल चिल है। वैसे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ह्यूमन अटेंशन एनी टाइम चाहिए, अकेली रहती है क्योंकि जैसे अगर मैं केज में रख के जाती हूँ ना कि कुछ गिर ना जाए इसके ऊपर, तो यही बस केज में रह रही थी। इसकी वैक्सीनेशन हुई नहीं है ना बाकी, तो इसकी वैक्सीन के लिए अभी हम लोग एक बार डॉक्टर से पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी थी, हमने अभी यू नो थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं हुई की वजह से इम्यूनिटी डाउन ना हो जाए, इसके लिए कराया नहीं। चले ये आज ही हमने पुराने कांगड़े से रेस्क्यू किया है, किसी ने अबैंडन कर दिए हैं पर मैगट बोंड है इसको। टिक्स भी है ना बहुत ज़्यादा, आँख के पास भी है। बस हो गया, डॉग काफ़ी टाइम से छूटा हुआ है और बाहर ही रह रहा था क्योंकि अग्रेसिव है, शुरू में लोगों के साथ तो इसको कोई रख भी नहीं रहा था घर में, लेकिन जो वो खाना डालते थे रेगुलरली तो वो थोड़ा हमसे फ्रेंडली हो गया था। सर कैचिंग में आसान ही रही ना इसकी, ईजिली आ गया ना, लेकिन आने के बाद वो बहुत ज़ोर से गुस्सा किया ना इसने केज में। सर अभी तो इसको जब तक वुंड ठीक नहीं हो जाता तब तक बात नहीं दे पाएंगे ना बिल्कुल। बोले जान स्प्रे कर रहे हैं ताकि मक्खी ना इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसको रख रहे हैं, इसकी टांग टूट गई है ना, ये चल नहीं पा रहा है, हमने मेडिसिन और इसको मेडिसिन वगैरह दी थी, मेडिसिन पट्टी वगैरह भी की थी पर हड्डी फ्रैक्चर निकला ही नहीं इसकी। उसको फ्रैक्चर था लेकिन उसका मेन कारण ये था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका पीछे का पैर बुरी तरीके से
इंजर्ड था बुरी तरीके से, उसकी स्किन कट चुकी थी, बोन टूट के बाहर आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी उसके पंजे वाले हिस्से में। बोन इतनी बुरी टूटी थी कि हमें पहले बार में देखते ही पता था कि भाई इसकी तो एम्पुटेशन ही लगेगी ना। इसके ब्लड टेस्ट भी हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तो हम जैसे ही थोड़ा वेदर कंडीशन ठीक होगा उसके बाद हम इसकी एम्पुटेशन सर्जरी कर देंगे। पार्वो जिस डॉग को सस्पेक्टेड है उसको देखने जा रहे हैं, सुबह ड्रिप लगी थी, अब फिर देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट है। हमने उसको अलग रखा हुआ है। कहाँ पे? वॉमिट वाली स्मेल नहीं है, हो सकता है गिरा हो। सुबह से थोड़ा अच्छा है, मॉर्निंग में थोड़ा ये बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा था, डायरिया भी था साथ में, लेकिन अभी इसके फीडिंग बोल को देख के ऐसा लग रहा है इसने थोड़ा बहुत खाना खाया है। क्या लगता है आपको, खाएगी? थोड़ा और डाल दूँ इसको? नहीं, पर इसको पी लेगी तो भी पता चल जाएगा ना मैं कि पी है, तो फिर मैं ठीक है, इसको अच्छा नहीं लगा, ये लो। हमने 3 रिलीज भी किए हैं जिसमें खजाना है, जिसके केयर टेकर्स ही उसे वापस लेके गए, उसका थोड़ा सा वोन रह गया था हील होने को, लेकिन उन्होंने पहले ही बोला था कि आप एक स्टेज तक हीलिंग हो जाए उसके बाद हमें दे देना, हम आगे की केयर कर सकते हैं खुद भी और हम अडॉप्शन भी करा देंगे। हमने कतली को भी रिलीज़ किया जिसका टीवीटी था, उसको हमने कुठेर से ही रेस्क्यू किया था, पूरी हील हो चुकी थी, उसकी स्पेस सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी थी। एक और डॉग रिलीज़ किया जो हमने चंबी से रेस्क्यू किया था, ट्रबल, उसको मैगेट वुंड था, उसको भी हमने वापस रिलीज़ कर दिया पूरी हीलिंग के बाद। लव यू टू मू। Look, there he is. Now she is running properly. 5 days back, she wasn't walking properly. Whatever time, she like this a lot. Bye. मैं ज्योति को पूछ रही हूँ, बस आ ही रही है वो। हो सकते हैं। जाती साथी। She's looking worried that she's leaving me. अपना सारा ही तोते खा गए ना? ये ना केमिकल डालने का परिणाम है, ये गांव में मक्की तो और जगह भी लगी है। हाँ सर, वहाँ पे इतनी नहीं लगती तोते जी, अपने यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं। ये हमारे दाने कम है, ये तो मिट्टी में कोई कमी है उसकी वजह से होगी, पर जो हमारी आधी आधी ये देखो ना, तोतों ने पहले ही खा ली है। तो पहले हमें किसी ने कहा था कि पानी के बैग टांगो, सीडी टांगो, कुछ काम नहीं किया। अगर आप लोगों को कोई इलाज पता हो इसका कि पक्षी हमारी आधी फसल ना खा जाए तो बताइएगा, इसके तो दाने भी कम है। डव यहाँ पे रेस्क्यू होकर आई थी पिछले साल के अगस्त या सितंबर में, तब तो ये और इसका जो भाई, ये दोनों पपीज रेस्क्यू होकर आए थे धर्मकोट से, जब उन्हें किसी ने बोरे में बांध के उनको फेंकने की कोशिश की थी और वहाँ के ट्रैवलर्स ने इसको देख लिया था और तब वो पपीज़ को रेस्क्यू करके पीपल फार्म ले आए थे। उनके आने के बाद भी काफ़ी जल्द उनका अडॉप्शन भी हो गया था जो कि फेल भी हो गया और हमारे पास जगह नहीं थी कि हम डव को वापस ले आए, तो हमने उन्हें इंडी लव फॉस्टर केयर में शिफ्ट कर दिया था। तो 8 महीने वो फॉस्टर केयर में थी और अब फाइनली जब देवी के अडॉप्शन के लिए हम दिल्ली गए थे तब उसे वापस ले आए। ओए इधर देखो, ओए कैमरा देख कर डर रही है यार, ये That's what I was telling you कि she needs work, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को देख कर डर जाती है। मैं जब बाहर उसको लेकर खड़ी थी ना तो एवरी पासिंग व्हीकल से बहुत डर रही थी। कल भी मेरे साथ भी होता है ऐसे, जब मैं उसको वॉक पे लेकर जा रहा था। फॉस्टर केयर में 8 महीने रही है, बाहर का वर्ल्ड देखा नहीं है, जब इन चीज़ों से उनकी इंटरेक्शन यंग एज में नहीं होता है तो एज अडल्ट डॉग्स या फियरफुल ऐसी चीज़ों से, तो वो फियर को कम कैसे किया जा सकता है उसकी भी वेज है। सोशलाइजेशन किसी भी उम्र में स्टार्ट किया जा सकता है, इतना ही है कि अडल्ट डॉग्स में थोड़ा समय लगता है, पपीज़ में जल्दी हो जाता है। इतनी प्यारी है तो मैं पॉजिटिव हूँ कि इसके लिए एक अच्छा घर मिल जाएगा। चलो शूट नहीं करेंगे, अंदर चलते, चलो जल्दी, चलो 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 चलो, नमस्कार। जिजल करते हुए रोती है।